दिवाली त्यौहार को लेकर फायर विभाग ने तैयारी की है। डीजी फायर अविनाश चंद्र ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। किसी भी तरह की अग्निकांड की घटना से निपटने के लिए विभाग तैयार है। लोग दीपावली पर पटाखे जलाते समय बरते सावधानी। अविनाश चंद्र ग्रीन पटाखों का लोग करें इस्तेमाल। अविनाश चंद्र भीड़भाड़ वाले बाजारों में खासतौर पर बरते सावधानी। फैक्ट्रियों में भी अग्निकांड से बचाव के लिए जाए पहले से उपाय। यूपी के सभी फायर स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस एक महत्वपूर्ण अंग फायर विभाग के डीजी अविनाश चंद्र जी हमारे साथ है। सर, फायर विभाग की बड़ी तैयारी होती है दिवाली को लेकर, क्योंकि जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश दिवाली मनाता है, फायर विभाग अलर्ट पर रहता है। क्या तैयारी है आप लोगों की? ये सभी 75 जिले में फायर डिपार्टमेंट के सभी फायर स्टेशंस, जो कि 361 की संख्या में है, सुपर अलर्ट मोड में है। हम लोग जितने भी वहां पे एक्सप्लोसिव के वैलिड लाइसेंस होल्डर्स हैं, उनके प्रिमाइसेस में जाकर के वहां पे फायर सेफ्टी के क्या प्रिकॉशन लिए आ सकते हैं, फायर प्रिवेंशन के क्या प्रिकॉशन लिए आ सकते हैं, और अगर सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर कहीं पे अग्निकांड हो जाता है तो कैसे उसको इमीडिएटली टैकल करें जो मौके पे है, कैसे वो पानी भर करके रखें 200 लीटर के ड्रम में, बाल्टी रखें, बालू रखें, और अगर अपने से ना कंट्रोल कर पाए तो कैसे 112 पे सूचना दे करके वो डिपार्टमेंट को सूचित कर सकते हैं। उसी तरह बहुत सारे अवैध तरीके से एक्सप्लोसिव हैंडलिंग करते हैं, उनका भंडारण करते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, विक्रय करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में इंटेलिजेंस गैदरिंग करके सिविल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन SDM और उनके साथ मिलकर के उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, उनके प्रतिष्ठानों को सील किया जा रहा है। जहां जहां क्लस्टर में पटाखों की दुकानें लगेंगी वहां पे कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर, या अगर बहुत बड़ा क्लस्टर है 50 दुकानें उससे ज्यादा जहां पे हैं आउटस्कर्ट्स पे हैं, वहां पे एक फायर टेंडर रखा जा रहा है और फायर कर्मियों को नियुक्त की जा रही है कि जिससे पहला टारगेट है कि आग लगे ही ना, और दूसरा टारगेट है कि आग लगे तो जो मौके पे है वहां पे वो उसको स्पॉट कर ले और तुरंत मौके पे बुझा ले, और अगर ये दोनों काम नहीं हो पा रहा है तो फायर डिपार्टमेंट को 112 नंबर पे सूचना करके हमें बुलाए। हम लोग बिल्कुल रेडी टू मूव कंडीशन में हमेशा रहते हैं। जगह जगह डिसेंट्रलाइज वे में गाड़ियों को भी डिप्यूट करके रखा गया है, मैन पावर को भी डिप्यूट करके रखा गया है, जिससे हम जल्दी से जल्दी पहुंच करके लोगों की प्रेशियस लाइफ को बचा सकें, और जहां पे तार कमजोर हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, लोड लेने लायक नहीं है, उनको रिप्लेस करवा लें, ज्वाइंट्स को सील करवा लें, MCV लगवा लें, तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नहीं लगेगी और 80% हम लोग जो है फायर को प्रिवेंट करने में सफल होंगे। अगर उसके बाद भी अगर आग लगती है तो जो मौके पे है या तो नेकेड आई से उसको देख ले, और वो स्थानीय संसाधनों से जैसे पानी, बालू, मिट्टी, कम्बल से बुझा ले, और या वहां पे अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है वहां पे स्मोक सेंसर लगे हुए हैं, फायर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं या फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, उससे आग बुझा ले। और अगर ये दोनों ही काम नहीं कर पाते हैं तो फायर डिपार्टमेंट को 112 जो यूपी 112 है उस पर सूचना करें। हम लोग सूचना मिलते ही 52 सेकंड्स में हमारा रिस्पांस टाइम है, हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंच करके आग को बुझाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे डीजी फायर अविनाश चंद्र जी, जिन्होंने फायर विभाग के हर एक सिस्टम के बारे में बताया कि किस तरीके से फायर विभाग काम करता है, किस तरीके से दिवाली पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, और किस तरीके से जो आग लग रही है बिल्डिंगें उनको NOC किस तरीके से दी जाती है, और क्या क्या प्रावधान इस पूरे फायर विभाग में है। कैमरामैन वीरेंद्र साथ, मैं वर्षा शाही, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ।